Hello everyone and welcome back to my channel. So today's video is going to be about Myntra और Myntra से मैंने बहुत सारी shopping की है. Even एक और video आएगा Myntra से, लेकिन आज का जो video है it is going to be very helpful for you all. अगर आपको दिवाली shopping करनी है so आज का video ध्यान से पूरी तरह से देखना, कोई भी part miss मत करना. और जैसे कि Myntra पर चल रही है India's biggest दिवाली धमाका sale, और ये जो sale है first November से start हो गई है. So इस सेल में आपको मिलेगा 50% टू 90% का डिस्काउंट ऑन वेरियस कैटेगरीज. सो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है. ओके सो यस, और ये जो सेल है ना ये बहुत ही बड़ी सेल होती है साल की. सो आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स मिल जाते हैं. और जो मैं आपको आउटफिट्स दिखा रही हूँ ना, मैंने बाय किया था इन्हें कुछ डिफरेंट प्राइस में, और अभी इनके प्राइसेस बहुत कम हो चुके हैं. सो मेक श्योर अगर आप बाय करोगे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, आप जाकर चेक कर लेना और अपने लिए बाय कर लेना. ट्रस्ट मी, सारे प्राइसेस ड्रॉप हो गए हैं अभी, और इतने कम प्राइसेस में ये आउटफिट्स आपको बाद में नहीं मिलेंगे. ओके सो मेक श्योर यू बाय इट फॉर योरसेल्फ. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आउटफिट. लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू इट, ताकि आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देखने मिले. आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना. आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. इट इज़ टोटली फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट, राइट? बस एक लाइक को हिट करना है. ओके सो प्लीज़ डू इट. और पहला जो आउटफिट है ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगा मुझे. सो लुक एट दिस. ओके सो इसका ब्रांड नेम है अनूक, और मैंने इसमें साइज़ पिक किया है स्मॉल. ओके सो स्मॉल साइज़ में है, एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस आउटफिट. द कॉम्बिनेशन इज़ रियली गुड. सो इट इज़ इन लाइक मैजेंटा कलर और पर्पलिश शेड है, और इसके साथ जो कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा है इट इज़ इन ब्लू कलर. सो दिस इज़ रॉयल ब्लू कलर. सो आई लव द कॉम्बिनेशन. मतलब मैंने ना मैजेंटा के साथ पर्पल देखा था, मतलब जो पर्पल शेड होता है वायलेट शेड होता है वैसा, लेकिन ये ना रॉयल ब्लू कलर देख के ना दिल खुश हो गया, और ये कॉम्बिनेशन सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो इसका जो मटेरियल है ना, दिस इज़ आई गेस विस्कोस रेयन मटेरियल, और येस इट इज़ समथिंग लाइक दिस. सो ये पूरी तरह से प्लेन है, इस पर कोई वर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर वर्क है. राउंड नेक प्रोवाइडेड है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. इस ना फैब्रिक में एक शाइन है अगर आप देख सकते हो तो. सो दिस रियली मेक्स इट अप्रोप्रिएट फॉर फेस्टिवल्स. ओके और दिन में पहन लो आप, इवन नाइट टाइम के लिए भी पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा. और यहाँ पर इस तरह से ना जरी से एम्ब्रॉयडरी की गई है, गोल्डन जरी से. सो इस तरह का वर्क है. फिर पूरा कुर्ता जो है प्लेन है ओवरऑल, और साइड से साइड कट प्रोवाइडेड है. फ्रॉम बैक साइड यू गेट दिस प्लेन लुक. ओके एंड इट इज़ हैविंग 3/4 स्लीव्स. या सो काफ़ी ब्यूटीफुल लगा मुझे. यहाँ पीछे ना इस तरह से बटन दिया है टू ओपन इट एंड वेयर इट. मेक्स कन्वीनियंट इट, लाइक इट एक्चुअली मेक्स यू कन्वीनियंट टू वेयर. सो यू नो पहनते समय कोई प्रॉब्लम ना हो. और इसके साथ जो बॉटम है इट इज़ इन सेम फैब्रिक सेम शेड. ओके सो ये कुछ इस तरह का है. इट इज़ हैविंग इलास्टिक. लेट मी चेक इफ पॉकेट इज़ प्रोवाइडेड. ओके पॉकेट इज़ नॉट प्रोवाइडेड, एंड विड्थ जो है इसकी इतनी है. सो दिस इज़ अ पैंट. फैब्रिक सच में बहुत अच्छा है, और इसके साथ जो दुपट्टा है इट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट कलर. सो दिस लुक्स ब्यूटिफुल. मेरे पास बहुत सारे दुपट्टे हैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में, बट ये शेड मेरे पास नहीं था. अब ये भी हो चुका है. सो लुक एट दिस, इट इज़ वोवन कुर्ता. ओके सो इस तरह से वोवन है, और इस तरह से छोटे छोटे ना सर्कल्स बने हुए हैं, बूटी बूटी काइंड ऑफ. और यहाँ पर इस तरह से वोवन वर्क है, और यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर है, ठीक है. और टैसल्स भी है यहाँ पर नीचे विच इज़ इन ब्लैक शेड. सो द कॉम्बिनेशन लाइक एक कॉन्ट्रास्ट कलर दिख रहा है मुझे इसमें, ब्लू और थोड़ा सा ब्लैकिश कलर. सो यहाँ नीचे आप देख रहे हो कि ब्लैक थ्रेड्स है, ब्लैक और ब्लू. सो दुपट्टा इज़ ब्यूटिफुल. लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, जितनी लेंथ होनी चाहिए दुपट्टे की उतनी है. सो अगर आपको पसंद आ रहा है मेक श्योर टू डेफिनेटली बाय इट फॉर योरसेल्फ. मैंने इसका भी जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो नेक्स्ट मैंने ना एक स्कर्ट सेट ऑर्डर किया है फ्रॉम Myntra. अभी इसका प्राइस ना इज़ अराउंड 1100 ओनली. सो जल्दी से पिक कर लेना.
मैं तो इसे रिटर्न बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह के स्टाइल्स ना बहुत बार पहनने में चल जाते हैं, और जो प्राइस पे कर रहे हो आप इसके लिए, इट इज़ टोटली वर्थ। मैंने इसे शायद 2000 समथिंग में बाय किया था, अब इसका प्राइस लिटरली ड्रॉप हो गया है, सो मेक श्योर यू गेट इट। सो इसका जो क्रॉप टॉप है कुछ इस तरह से है, लेट मी शो इट टू यू वन सेकेंड। सो मैंने इसे ना स्मॉल साइज़ में बाय किया है, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड अनूक, और इसका जो क्रॉप टॉप है कुछ इस तरह से, इसमें स्ट्रैप्स है ओके, जो कि एडजस्टेबल है, सो इसे आप एडजस्ट कर सकते हो स्ट्रैप्स को ओके, इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर ना इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की गई है, वाइट एम्ब्रॉयडरी। इसका जो फैब्रिक है ना, इट इज़ समवॉट लाइक पॉलिएस्टर, कॉटन पॉलिएस्टर मिक्स, लेकिन पॉलिएस्टर ही होना चाहिए, क्योंकि वो जो फॉल है, वो जो फ्लो आपको मिलता है वो उसमें ज़्यादा मिलता है, और काफ़ी सुंदर दिखता है दिखने में, क्रीसेस कम होते हैं उसमें। बट ये जो फैब्रिक है ना, ये कॉटन पॉलिएस्टर मिक्स लग रहा है मुझे, दिस इज़ नॉट प्रॉपर पॉलिएस्टर मटेरियल, वो समझ के मतलब वो टच करते ही मुझे समझ में आ जाता। और इस तरह से इस पर ना एम्ब्रॉयडरी की, क्योंकि बहुत ही फिनिश्ड है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे नीचे फ्रिल भी है बैक साइड से, इस तरह से इसका लुक है, यहाँ पर ना गैदर्ड लुक है, सो दिस इज़ एक्चुअली इलास्टिक, सो इट विल टेक योर बॉडी शेप ओके, सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट एक्चुअली, काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया है इसमें। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि अंदर से पॉलिएस्टर इनर भी प्रोवाइडेड है, जिससे कि आपको मतलब जो है ना कि आप जो भी पहनोगे, मतलब ब्रा या फिर स्ट्रैपलेस ब्रा पहनोगे, तो फिर भी इट विल बी कन्वीनियंट, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये ऑप्शन। और इसके साथ जो स्कर्ट है ओके, मुझे अच्छी बात पता है क्या लगी इस स्कर्ट की, ऐसा नहीं कि प्राइस कम है तो इसमें कुछ भी नहीं दिया आपको, मतलब एक स्ट्रेट स्कर्ट दे दिया या फिर आपको फ्लेयर कम दे दिया है, नहीं, इसमें फ्लेयर बहुत ज़्यादा है। लुक एट दिस, लुक एट द फ्लेयर, बहुत ज़्यादा फ्लेयर है इसमें, बहुत ज़्यादा। सो आप ट्रायल में भी आप समझ पाओ कितना फ्लेयर है इसमें, बट आई एम टेलिंग यू, इन केस यू लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस फॉर दिवाली, गेट इट, क्योंकि इतने कम प्राइस में तो यार आपको रेडी रेडी लहंगा, रेडी रेडी स्कर्ट सेट तो मिलता ही नहीं है, दिस इज़ वॉट आई हैव एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें बाय की है ना ऑनलाइन। और यहाँ पर ना इस तरह से डोरी है और टैसल्स भी है, लुक एट दिस टैसल्स, ओ माई गॉड, बहुत ही ब्यूटिफुल है, बहुत ही ब्यूटिफुल ओके, सो दिस इज़ रियली गुड। यहाँ पीछे ना इस तरह से इलास्टिक दिया हुआ है, सो अगेन इट विल टेक योर बॉडी शेप, एंड यहाँ पे टाई अप भी दिया है, इन केस दिस इलास्टिक इज मीन्स अगर आप इलास्टिक ये पहन रहे हो स्टिल यू फील इट इज़ लूज, यू कैन जस्ट टाइटन इट अप, और इट इज़ गुड टू गो, आई लव्ड इट। और इसमें ना इनर भी प्रोवाइडेड है, पॉलिएस्टर इनर, एंड दिस इज़ कॉटन मिक्स, कॉटन पॉलिएस्टर मिक्स ओके, सो जस्ट गो फॉर इट। इसमें आई गेस आपको कलर्स भी मिल जाएंगे, आई डोंट नो, जस्ट चेक द लिंक। और इसके साथ जो दुपट्टा है ये ऑर्गेन्जा मटेरियल में है ओके, सो सेम शेड में है, बट द मटेरियल इज़ रियली गुड, और इस पर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, विच इज़ सीरियसली नाइस, वेरी गुड क्वालिटी, सो येस गेट दिस फॉर योर सेल्फ, आई एम जस्ट लविंग दिस। और दुपट्टे की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, जितनी होनी चाहिए उतनी है, सो बिल्कुल भी ज़्यादा सोचना नहीं है, नो सेकेंड थाट फॉर दिस आउटफिट ओके, सो गेट दिस। सो नेक्स्ट जो आउटफिट है, दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड विशुद्ध, और साइज़ मैंने इसमें मीडियम पिक किया हुआ, क्योंकि मीडियम शायद स्मॉल साइज़ अवेलेबल नहीं था इसमें, और इसलिए मुझे मीडियम भी आता है प्रॉपर, स्मॉल भी प्रॉपर आता है, लेकिन मीडियम कभी कभी क्या होता है ना, मुझे पीछे से ना लूज़ लगते हैं, सो इसलिए मैंने हमेशा स्मॉल ही परचेज़ किया है, स्मॉल फिटिंग में काफ़ी अच्छे से बैठते हैं, और मीडियम जो है मुझे थोड़े से लूज़ लगते हैं, सो इसलिए, बट दिस इज़ इन मीडियम, एंड इस पर ना इस तरह से स्ट्रैप्स है ओके, एंड इसका जो मटेरियल है, दिस इज़ विस्कोस रेयन मटेरियल, बहुत ही स्टाइलिश आउटफिट है, यहाँ पे भी एडजस्टेबल स्ट्रैप दिया है, और इस पर ना
ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी है, पूरी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है, बिल्कुल भी प्रिंट नहीं है. लुक एट दिस शेड एंड लुक एट दिस एम्ब्रॉयडरी, दिस इज़ लुकिंग सुपर्ब. और ये कुर्ता शॉर्ट है एक्चुअली, इसके साथ शरारा अवेलेबल है. सो यस, कुछ इस तरह से है, कट यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. एंड बैक साइड से इस तरह से प्लेन लुक है इसका. अमर फैब्रिक में शाइन भी है, सो लिटरली दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर फेस्टिवल्स. इसके साथ जो बॉटम है, दिस इज़ इन जॉर्जेट मटेरियल और इलास्टिक प्रोवाइडेड है. और इस तरह से ना शरारा दिया हुआ है, विच इज़ लुकिंग अमेजिंग. दिस इज़ सच अ नाइस मटेरियल, इतना सॉफ्ट. दिस इज़ नॉट पॉलिएस्टर, हाँ ये जॉर्जेट जैसा फील आ रहा है मुझे इसमें. और इनर नहीं है अंदर, मुझे लगा इनर, क्योंकि थोड़ा सा थिक मटेरियल है. और बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो. लेट मी सी इट वंस अगेन, अगर इसमें इनर हुआ तो. नहीं, इसमें इनर नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. सो लुक एट द फ्लेयर, ओह माय गॉड, फ्लेयर बहुत ज़्यादा है इसमें. और इसके साथ जो दुपट्टा है, इट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट कलर, सो इस तरह से है. दिस इज़ इन शिफॉन मटेरियल एंड ओके. सो यहाँ पर ना इस तरह से, ओके आई गेस यहाँ पिन थी, ओह सॉरी, ओके सो दिस इज़ हैविंग टैग, ओके दिस पिन इज़ हैविंग टैग. ओके आई नॉट रिमूव दिस नाउ, वन सेक, ओके टैग निकल चुका है इसका. सो ये कुछ इस तरह का दुपट्टा है और इस पर ना गोल्डन इस तरह से प्रिंट किया गया है, बट दुपट्टा इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, विद इसकी इतनी है. ओके सो इन केस यू वांट टू जस्ट यू नो कीप इट ओपन, मतलब आपको ज़्यादा चढ़ाना नहीं दुपट्टे को, आपको इस तरह से फैलाकर रखना है तो भी आप रख सकते हो. यू विल बी वेरी यू नो फ्री टू हैंडल इट, सो इसलिए गुड. सो कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा है एंड आई सीरियसली विल रिकमेंड यू कि आप ज़रूर बाय करें, बहुत ही अच्छा लगा मुझे. ओके सो नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है, अगेन अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, इट इज़ ऑफ वाइट एंड इन रेड कलर. सो दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड अनूक और साइज़ मैंने स्मॉल पिक किया हुआ है इसमें भी. ओके सो दक्षिणी इस तरह से लिखा हुआ है, अ फेस्टिव वेयर दैट इज़ मॉडर्न येट रूटेड इन एस्थेटिक, इंस्पायर्ड फ्रॉम द लश सीनरीज ऑफ सदर्न इंडिया along with its unique material culture. Okay, so ये southern print है इस पर, और मतलब modern भी दिखेगा and वो traditional print भी है इस पर. So this is a nice off-white and red. Obviously off-white और जो red combination है ना, ये बहुत सुंदर लगता है. अभी recently मैंने ना इसमें एक साड़ी भी purchase की है and this looks beautiful. In case you're not having this combination, definitely you're missing it. Like आपको आपके पास होना ही चाहिए. एंड यस, सो ये इस तरह का कुर्ता है. ओके सो इसका जो मटेरियल है ना, मैंने जब वेबसाइट पे देखा तो इसका मटेरियल पॉलिएस्टर लिखा हुआ है, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज़ रिटन पॉलिएस्टर. ये मुझे पॉलिएस्टर कहीं से नहीं लग रहा, मतलब मे बी वो कॉटन पॉलिएस्टर मिक्स नहीं होता वैसा कुछ होगा, बट काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका. This is sleeveless. It is obviously not having sleeves. और इसका neck area कुछ इस तरह से है और पीछे से ना button भी दिया है, so easy to wear. इस पर print आप देख सकते हो, print बहुत ही सुंदर है. और यहाँ पर ना इस तरह से flared look है, ठीक है. So कुछ इस तरह से है ये कुर्ता, इस पर golden print किया, golden नहीं कहूँगी बट इस समवेयर लाइक समवॉट लाइक ब्रॉन्ज कलर जैसा, नहीं होता वैसा वाला, कॉपर काइंड ऑफ. और पीछे से ना इस तरह से लुक दिया है, सेम प्रिंट. ओके बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं लगा मुझे ये, आई गेस नहीं, इनर तो प्रोवाइडेड नहीं है बट सी थ्रू भी नहीं है. इसका जो मटेरियल है ना, ये थोड़ा सा थिक है. ओके और इसके साथ जो बॉटम प्रोवाइडेड है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज़ ऑल्सो अ शरारा, इलास्टिक इज़ प्रोवाइडेड, पॉकेट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एंड लुक एट दिस. सो दिस इज़ अ शरारा, आपको सेम प्रिंट मिल जाएगा बॉटम में भी. इसके साथ जो दुपट्टा है, दिस इज़ इन
जॉर्जेट मटेरियल, लुक एट द दुपट्टा, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। और इस पर आप प्रिंट देख सकते हो, इसका प्रिंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। लुक एट दिस, इस पर ना प्रिंट थोड़ा डिफरेंट है। इस पर आई गेस हॉर्स, नहीं कुछ तो एनिमल बना हुआ है, आई थिंक दिस इज़ डियर। और इस पर पैरट प्रिंट भी है, कुछ यू नो फ्लाइज है और ट्रीज लीव्स बने हुए हैं। सो इस तरह का प्रिंट दिया है इस पर। सो दुपट्टा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, डिफरेंट लुक है कुछ इसमें। ओके, यहाँ पे चेक्स बने हुए हैं और यहाँ नीचे भी प्रिंट है। आई डोंट नो व्हाट दिस प्रिंट इज़ एग्जैक्टली। अगर आप साउथ इंडियन हो तो प्लीज़ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, आई एम सीरियसली नॉट अवेयर, मे बी मैं कुछ मिस कर रही हूँ, बट द प्रिंट इज़ रियली नाइस, इट इज़ गॉर्जियस। तो पूरी तरह से ये कुर्ता सेट जो है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मे बी अगर मुझे इसके प्रिंट की इन्फॉर्मेशन होती तो मैं इसका डेप्थ समझ पाती, बट इट इज़ रियली गुड। ओके, सो गेट इट। सो साउथ इंडियंस डेफिनेटली आप ये पिक कर सकते हो, इट इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर यू। ओके, सो नेक्स्ट वन जो है, दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल अनूप अगेन, एंड यस अनूप बाय मिंत्रा लिखा है इस पर। सो दिस इज़ अ इन हाउस ब्रांड ऑफ मिंत्रा। सो दिस इज़ अ कुर्ता सेट एक्चुअली। सो इस तरह से कुर्ता और बॉटम भी मिल जाएगा आपको सेम कलर में। सो ये कुछ इस तरह से है। साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है। सो दिस इज़ अ बेसिक कुर्ता सेट एक्चुअली। इसके साथ ना आप कोई कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा भी ले सकते हो, या फिर इसी शेड में अगर आपके पास दुपट्टा है तो वो भी, ताकि आपको अगर एक ही शेड में सारा आउटफिट चाहिए तो वैसे भी आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर कॉन्ट्रास्ट में तो वैसे भी कर सकते हो। सो इस तरह से सिल्वर और गोल्डन जरी मिक्स है इस पर, एंड लुक एट द प्रिंट। प्रिंट मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा इसका। इस तरह से चैन लुक दी हुई है यहाँ पर। ओके, और फ्लोरल लुक है यहाँ पर भी। सो प्रिंट इज़ रियली नाइस। इसका जो मटेरियल है, अगेन इट इज़ रिटन पॉलिस्टर, बट आई डोंट नो पॉलिस्टर इतना अच्छा फैब्रिक होने लगे आजकल, मुझे नहीं पता, क्योंकि फैब्रिक तो काफ़ी अच्छा है। मुझे ये कॉटन पॉलिस्टर में भी मिक्स होगा, बट इट इज़ गुड टू गो फॉर द होल डे। बहुत ही कोजी सा मटेरियल है। 3/4 स्लीव्स प्रोवाइडेड है। ओके, एंड दिस इज़ अ स्ट्रेट कुर्ता, साइड कट प्रोवाइडेड है, इवन पॉकेट इज़ प्रोवाइडेड एट द राइट साइड एंड एट द लेफ्ट साइड बोथ। फ्रॉम बैक साइड यू गेट दिस प्रिंट, आई मीन इट्स हैविंग अ प्लेन लुक। ओके, सो इसके साथ जो बॉटम है, सो आई मीन बैक साइड से पूरी तरह से प्लेन है, एंड दिस बॉटम इज़ इन सेम कलर, सेम फैब्रिक, और इस तरह से जो है इलास्टिक दिया हुआ है, एंड इवन राइट साइड में पॉकेट है इस तरह से, और पैंट है यहाँ पर, गोल्डन लेस अटैच्ड है। दिस इज़ रियली नाइस। पहनने के बाद तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको उससे और एड ऑन करना है तो दुपट्टा आप कोई और कलर का इस पर ले सकते हो, जो कि अच्छा लगेगा। और इसके बाद जो है, दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल सांग्रिया, और साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है। सो दिस इज़ अ कुर्ता, एंड ये स्लीवलेस कुर्ता है, इसमें स्लीव्स प्रोवाइडेड नहीं है, एंड इवन इससे मेंशन किया है कि दिस इज़ आल्सो अ पॉलिएस्टर मटेरियल, बट मुझे पॉलिएस्टर मटेरियल ये नहीं लग रहा है। दिस इज़ समवेयर लाइक मिक्स फैब्रिक, कॉटन और पॉलिएस्टर मिक्स में भी, क्योंकि आप देख रहे हो पॉलिएस्टर मटेरियल जो होता है ना वो अंदर से आपको लाइट दिखता है, जबकि ये जो मटेरियल है ना ये अंदर वाला फैब्रिक है और ये बाहर, ठीक है। यू कैन सी ये सेम दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है। सो दिस इज़ लाइक अ कॉटन मिक्स मटेरियल, क्योंकि काफ़ी अच्छा मटेरियल है, एंड यू कैरी दिस फॉर द होल डे। सो इस तरह से है। यहाँ पर ना रेड बटन्स भी है, और प्रिंट आप देख सकते हो, इट इज़ गॉर्जियस। और मुझे ना इस तरह के मल्टी कलर्ड कुर्ता भी काफ़ी पसंद आते हैं। इसके साथ आपको ना ब्लैक बॉटम पेयरअप करना चाहिए, डोंट गो फॉर एनी अदर कलर। ओके, सो ब्लैक बॉटम और इसके ऊपर ये कुर्ता। सो इट इज़ हैविंग डिफरेंट शेड्स, रेड है, येलो है, ग्रीन है, लाइम कलर है, और साइड कट प्रोवाइडेड है। From back side you get this look. Okay, so seriously nice. Definitely go for this outfit in case आपके budget में है, it is in your budget obviously,
400 का कुछ तो ये कुर्ता है और आराम से आप जो है इस सेल पीरियड में बाय कर लेना, मे भी बाद में प्राइजेस बढ़ जाए, आई डोंट नो, बट बजट में है अभी. सो गेट दिस एंड इट लुक्स यू नो रियली गुड फॉर लाइक डेली वेयर ऑल्सो. सो यस, सो कैसा लगा आपको ओवरऑल वीडियो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया, प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू इट. अगर जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हो, अब सब लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो सीरियसली आप सोचो कि कितनी हेल्प होगी. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना और मतलब जो बेल ऑप्शन है उसे आप प्रेस कर देना, ताकि अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो वो भी आपको हेल्प मिलेगी. ओके, सो प्लीज़ डू इट एंड डोंट फॉरगेट टू डू ऑल दिस थिंग्स. ओके, और जो भी मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं उसके लिंक्स मैंने मैंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो. सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर.